तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैटर अराउंड अस, ठीक है। पहला हमारा नाइन्थ का टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ पर हमें पढ़ना है कि हमारे अगल बगल जो मैटर है, ठीक है, वो किस चीज से बने हैं, ठीक है। व्हाट एज यू नो दैट मैटर इज जनरली फॉर्म ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, इसी चीज को हमें जानना है। अगर एक मैटर आप ले लो, है ना, सपोज करो कि एक स्टोन ले लो, उसको तोड़ते जाओ, है ना, तोड़ते जाओ, एक समय के बाद क्या होगा, एक समय के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा वो क्या होगा, उसका वो उसका एटम होगा या वो मॉलिक्यूल से बना होगा। ये जो आप देख रहे हो, यही बताना चाह रहे हैं कि एक स्टोन को जब हमने क्या किया, ब्रेक करना चालू किया, है ना, उसको तोड़ते गए, हम ये जानने की कोशिश करें कि ये सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा। तो सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा, उस छोटे पार्टिकल्स को हम एटम या मॉलिक्यूल से बोल सकते हैं। जो छोटे कोई भी सब्सटेंस होता है, हमारे पाए जाने वाला जो भी सब्सटेंस होता है, वो जनरली ये गैलेक्सी A51 किसकी आईडी है? खुद को अनम्यूट करो यार, आप यूट्यूब सॉरी आप जूम पर आ रहे हो, आपको पता ही नहीं यूज कैसे करते हैं आप इसको। ये यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट साइड में, पहले खुद को अनम्यूट करो आप। ओके, तो आज हमारी टॉपिक है मैटर अराउंड अस, ठीक है, एंड वी विल कवर आवर टॉपिक विद द हेल्प ऑफ लखबीर सिंह बुक जो है आसान की है, मुझसे आज कंप्लीट करेंगे। नाउ एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस हैज एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे पास सबसे पहला यहाँ पर डेफिनेशन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, हाउ कैन यू डिफाइन अ मैटर। मैटर किसको कह सकते हैं? तो नेचर में पाया जाने वाला वो सब्सटेंस जिसके पास अपना मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जनरली दे आर कॉल्ड मैटर। ओके, हाउ कैन यू डिफाइन अ मैटर, द सब्सटेंस व्हिच कैन विच हैव सम मास एंड कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस आर कॉल्ड मैटर। देन व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ मैटर? एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन, शुगर एंड सैंड, सिल्वर एंड स्टील, कॉपर एंड कोल, आयरन एंड वुड, आइस एंड अल्कोहल, मिल्क, ओके, एंड मिल्क एंड ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, कार्बन एंड सल्फर, रॉक एंड मिनरल्स, all are different kinds of matter because all of them are occupy space and they have mass. Okay, why they are called matter? Because they have mass and they can occupy space, that's why they are called matter. Matter ka definition kya hua? The substance which have some mass and they can which can occupy some space is called matter. Okay, if we look around us, we can say a large number of things of different shape, size and texture. Many of these things are used by us in our daily life, everyday life. Hamare everyday life mein hum isko use karte hain, theek hai. Ab sabse pehle hum aate hain, hamare jo ancient scientists the, hai na, ancient Indian philosophers jo the, unka manna tha ki koi bhi matter, theek hai, पांच एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसको वो लोग पंच तत्व कहते थे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि वी मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वे, बहुत तरीके से हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, एनिसेंट इंडियन फिलोसोफर सेड दैट द मैटर आर मैटर और लिविंग नॉन लिविंग वाज मेड ऑफ द फाइव बेसिक एलिमेंट, पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। हम लोग पहले हमारे जो वेद वगैरह में है ये चीज बताई गई है, है ना, ऐसा मानते थे कि हम लोग हमारी बॉडी पंच तत्व से मिलकर बनी हुई है। वो पंच तत्व क्या क्या था, ठीक है, वायु जिसको एयर बोलोगे आप, पृथ्वी यानी अर्थ, अग्नि, फायर, ठीक है, आकाश, स्काई, जल, वाटर, ठीक है। मॉडर्न डे द केमिकल मॉडर्न डे ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडर्न डे द साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इन इन टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू टू प्रॉपर्टी, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। आज हम मैटर को, मैटर तो हो गया कि जिसके पास स्पेस है, तो मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना,
मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखो मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, इस चैप्टर में हमें डील करना है केवल फिजिकल प्रॉपर्टी को, इस चैप्टर में हमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी को डील करना है। इसके बाद वाली जो आएगी चैप्टर उसमें हमें मैटर को केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ठीक है डील करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरल फिजिकल बेटा आप जो भी बात कर रहे हो आप म्यूट कर सकते हो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बात करोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी में वही आपको पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में जानना है, सॉलिड ठीक है लिक्विड एंड गैस के बारे में जानना है मेनली। इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाला है। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हो आप, नहीं एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, जिसके बाद वाले चैप्टर में आपको डिस्कस करना है। पहला चैप्टर हमें इसी पे ही डील करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेटल को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। हमें कुछ प्रॉपर्टी जानना है ठीक है। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ डील करेंगे, हमें पढ़ना है लेटेंट हीट के बारे में जानना है, हमें जानना है एविडेंस मैटर्स के बारे में जानना कि मैटर्स कैसे बोल सकते हो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो चलो हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इस चीज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्लियर है आपको? हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी हमने डिस्कस करा है कि मैटर का डेफिनेशन क्या हुआ, हाउ कैन यू डिफाइन अ मैटर, द सब्सटेंस व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास आर कॉल्ड मैटर। ऐसे सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जिनके पास कुछ मास हो, उसको आप मैटर बोलोगे। बहुत सारे सब्सटेंस आपके अगल बगल है, आप जो भी दिख रहा है आपको, वो आपके कपड़े हो है ना, आपका पिलो हो, आपका बुक हो, आपकी मोबाइल हो ठीक है, आपका शरीर हो, ये सब एक मैटर है क्योंकि ये सब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं है ना, ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इनमें मास है ना। इसके अलावा एयर हो गया, वाटर हो गया, दिस ऑल आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, बट इन सब में सिमिलरिटी क्या है, ये सारे मैटर्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। सारे मैटर्स की क्या सिमिलरिटी है, ये सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और इस पार्टिकल्स को या तो एटम कहते हैं या तो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक्चुअली एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, दो चार एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं। कोई वो कोई भी मैटर हो, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, कोई भी मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और ये पार्टिकल्स या तो एटम होंगे या तो मॉलिक्यूल होंगे। अगर वो एलिमेंट है, एक प्योर सब्सटेंस है, देन वो प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड भी होता है, तो अगर वो एलिमेंट है तो वो एटम से मिलकर बना होगा, अगर वो कंपाउंड है तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा ठीक है। तो एवरी अराउंड अस इज मेड अप द टिनी पीस ऑफ द पार्टिकल्स, हमारे अगल बगल जितनी भी चीजें दिखाई देती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स, आवर चेयर इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स, आवर टेबल इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स, एंड बुक इज ऑल्सो मेड ऑफ द पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन एवरी थिंग इज हाउएवर वेरी वेरी लार्ज। अलग अलग पार्टिकल जो जितना बड़ा सब्सटेंस है, जो जितना बड़ा बॉडी है उसमें उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। The number of particles in everything is however very very large. For example, in a small raindrop contain about 10 or 21 molecules, 10 to the power 21 molecules particle of the water in it. एक ड्रॉप वाटर में अबाउट 10 टू 21 पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। सोचो कि एक ड्रॉप जो साइज में खुद इतना छोटा है और उसमें 10 टू 21 मॉलिक्यूल्स हैं, सोचो एक मॉलिक्यूल्स की साइज कितनी होगी। एक मॉलिक्यूल की साइज इतनी छोटी होती है इवन उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप से भी हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते है ना। एटम मॉलिक्यूल्स को आज तक मतलब क्लियरली बिल्कुल देखा नहीं गया है, उसके बारे में केवल क्या है, एक धारणा बनाई गई कि हाँ एटम ऐसा होता होगा है ना, एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। आज तक किसी ने देखा नहीं है एटम के अंदर घुस के, या उसका एक क्लियर पिक नहीं मिला आज तक कहीं भी ठीक है। तो अगर हम कभी हम ये देखे ही नहीं कि वो छोटा पार्टिकल्स है, दिखता कैसा है कैसा, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ठीक है। समझ आ रहा है बात? हमारे अगल बगल जितने भी पार्टिकल्स दिख
रही है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो ये कैसे कह सकते हो, क्योंकि साइंस को तो एविडेंस चाहिए। साइंस ऐसा तो नहीं कि हम कहानी बोल दिया और हो गया पूरा, हमने बोल दिया बस बन गया। साइंस एविडेंस खोजता है, तो एविडेंस के लिए हमने कभी आज तक किसी ने एटम को देखा नहीं, एक कोई भी क्लियर व्यू नहीं मिला कि एटम ऐसा ही होगा। एक धारणा बना दी गई कि हाँ एटम ऐसा होता होगा, उसमें यहाँ एलिमेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रोटेट कर रहे होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहीं पर उसका न्यूट्रॉन होगा, तो ऐसा एक एटम के बारे में धारणा बना दी गई। लेकिन इसका एविडेंस क्या है, तो इस एविडेंस को जानने के लिए हमें मेनली पढ़ना है दो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। एक वो ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ब्राउनियन मोशन क्या है भाई, तो द एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, याद रखना एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, पार्टिकल्स इन मैटर, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर मतलब हुआ कि छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। इसके एविडेंस के लिए दो चीजों पे हमें गौर करना है, एक है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या हुआ, तो द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल मैटर एंड देयर मोशंस कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ द डिफ्यूजन एंड द ब्राउनियन मोशन। हम यहाँ दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक हुआ डिफ्यूजन, क्या डिफ्यूजन, ठीक है, और दूसरा हुआ, दूसरा जो आपका है वो ब्राउनियन मोशन है, ठीक है। ब्राउनियन मोशन में आप देखोगे, ठीक है, ब्राउनियन मोशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्राउनियन मोशन और ये दो चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों चीज क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ठीक है। तो देखो सपोज करो एक दो रीजन है, ठीक है, एक रीजन है जहां पर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, और एक रीजन है जहां पर पार्टिकल्स बहुत कम है, ठीक है। सपोज करो कि एक चैम्बर के अंदर दो रीजन है, एक रीजन ऐसा जहां पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है बहुत हाई है, एक रीजन है जहां पर पार्टिकल की कंसंट्रेशन बहुत लो है, ठीक है। तो पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हाउ कैन यू डिफाइन अ डिफ्यूजन, द ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो आप परफ्यूम यूज करते हो, है ना, या फिर आप इंस्टेंट स्टिक यूज करते हो घर में, आप अगरबत्ती जलाते हो, क्या होता है अगरबत्ती जलाते हो उसको किसी कोने में रखते हो, उसकी जो सुगंध है ना, उसका जो स्मेल है पूरे घर में फैल जाता है। How it is possible? It happens due to the what? Process of diffusion. Science में process of diffusion. Diffusion का क्या हुआ? कि particles जो हैं, उनकी ये property है कि वो हमेशा higher concentration से lower concentration में जाना चाहती है। और इस property को ही हम क्या कहते हैं? Diffusion कहते हैं। Diffusion के लिए इनको कोई energy की जरूरत नहीं होती। ये easily एक place से दूसरे place में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? हम बात कर रहे हैं evidence। देखो हम topic फिर से एक बार डिस्कस कर दूं। हम बात कर रहे हैं क्या, पहला टॉपिक हम बात कर रहे हैं मैटर इज मैटर द पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स से बनते हैं, इसके एविडेंस क्या है। तो इसके लिए हमें दो चीज पे ज्यादा गौर करना है, हमें गौर करना है डिफ्यूजन प्रोसेस पे और ब्राउनियन मोशन पे, ठीक है। डिफ्यूजन क्या हुआ, तो एक सिंपल एग्जाम्पल और डिफ्यूजन का ले सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पोटेशियम परमैंगनेट, एक बीकर में हमने पानी लिया, वाटर लिया, वाटर कलरलेस होता है, उसमें हमने क्या किया, एक पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाल दिया, और पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। तो आप देखोगे धीरे 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 पूरा पानी जो होगा वो पूरा वाटर जो होगा धीरे धीरे उसमें ये पर्पल कलर स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्या आंसर दे सकते हो आप, क्यों हुआ होगा ऐसा, जब आपने यहाँ पर पर्पल कलर डाला, सॉरी आपने जब पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो धीरे धीरे जो कलरलेस वाटर था वो धीरे धीरे किस पे कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होना चालू हो जाता है पर्पल कलर में, और लास्टली आप देखोगे तो वो कम्प्लीटली पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल, कैन यू सजेस्ट विच प्रोसेस विल टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस चेंज, बता सकते हो ये क्यों हुआ, इट्स हैपेंड ड्यूरिंग ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है।
समझ में आ रहा है बच्चों, डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ? देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट होता है आपका टॉपिक। डिफ्यूजन क्या है? हमने पढ़ा कि मैटर क्या है, मैटर क्या है, तो मैटर वो है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। मैटर क्या है? जिसके पास मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मास हो, वो मैटर होता है। अब ऐसे बहुत सारे मैटर है हमारे अगल बगल जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, जिनके पास मास होता है ना। अब ये किससे बने होते हैं? दे आर जनरली फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स क्या, कौन क्या हो सकते हैं? तो आगे आप पढ़ोगे कि पार्टिकल्स या तो एटम होता है या तो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब इसका एविडेंस चाहिए कि कैसे बने होते हैं, कैसे बोल सकते हो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। हो सकता है कि एक बड़ा सा दिखाई देने वाला पत्थर अकेला हो, है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से ना बना हो, डायरेक्टली वो उतना बड़ा जो आपको फॉर्म दिखाई दे, वो अकेला उसी एक उतना बड़ा जो पार्टिकल्स, वो उसके अंदर कोई पार्टिकल्स ना हो, वो अकेला एक पत्थर ही हो। बट ऐसा नहीं है, एक बड़ा पत्थर जो है उसमें बहुत सारे एटम होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमें दो फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिस्कस करना है, दो फिजिकल प्रॉपर्टी में प्रोसेस के बारे में जानना है। तो दो फिजिकल प्रोसेस क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो। पोटेशियम परमैंगनेट को जब पानी में डालते हो तो धीरे 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 उसका कलर जो होता है वो क्या होता है, स्प्रेड करता है उस वाटर में, और थोड़ी देर के बाद पूरे सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, पूरे सॉल्यूशन का कलर पर्पल हो जाता है। क्यों हुआ ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, साइंस के कौन से रीजन के कारण ये पूरा पर्पल हो गया, बताओ। डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण। किस प्रोसेस के कारण? डिफ्यूजन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन वी पुट अ स्मॉल पीस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ वाटर इनटू वाटर देन वाटर द कलरलेस वाटर बिकम्स पर्पल। कैन यू सजेस्ट व्हाई दिस इज हैपन, व्हाई दिस हैपन, कैन यू सजेस्ट? देन दिस हैपेंस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का क्या डेफिनेशन होगा, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। याद रहेगा ना आपको? देखो ये याद कर लो, डिफ्यूजन का डेफिनेशन ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अभी याद कर लो। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायो में भी आपको पढ़ना है डिफ्यूजन के बारे में और ऑस्मोसिस के बारे में। तो डिफ्यूजन यही है, सिंपली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम व्हाट, हायर कंसंट्रेशन। जैसे आप देख रहे हो ये हायर कंसंट्रेशन, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, हायर कंसंट्रेशन टू द व्हाट, लोअर कंसंट्रेशन। It's called diffusion. याद रहेगा? समझ में आया आपको बच्चों? Yes sir. आप definitions बता सकते हो diffusion का? Simply याद कर लो, बहुत याद करने वाली चीज नहीं है। Particles का higher concentration से lower concentration में movement, इसी को diffusion कहते हैं, ठीक है। Particles का higher से lower में, अब जैसे सिंपली जब आप एक इंस्टेंस स्टिक जलाते हो, एक अगरबत्ती जलाते हो, तो क्या होता है, जिस कोने में आप रखते हो वहाँ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होता है, नहीं? सपोज करो ये आपका घर है और आपने अगरबत्ती जलाया, नहीं, और किसी कोने में रख दिया, तो अभी क्या हो रहा है, ये इस अगरबत्ती के कारण इस इंस्टेंस स्टिक से जो पार्टिकल्स निकल रहे वहां पे, यहाँ पे इनका कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, है ना। अब ये धीरे धीरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे पूरे क्या सर, वो पूरे कमरे में फैल जाएंगे अब लो में। हाँ, पूरे कमरे में फैल जाएंगे। तो क्यों फैले क्यों, वो उनको पार्टिकल्स जो है उनकी ये प्रॉपर्टी की वो हमेशा मोशन में रहते हैं, वो मोशन करना चाहते हैं। समझ आ रहा है? पार्टिकल्स कभी भी एक जगह स्थिर रहना चाहते ही नहीं है, अगर वो स्थिर रहते तो वही रह जाते। पार्टिकल्स धीरे धीरे पूरे रूम में फैल गए, क्यों फैले, ये डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण फैले। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल ये वाला भी था, पोटेशियम परमैंगनेट
में वाटर में जब पोटेशियम परमैंगनेट डालते हो तो उसका पूरा कलर चेंज हो जाता है. दिस हैपेंस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर इसी चीज को दिखाया है कि यहाँ पे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और यहाँ पर जो देख रहे हो आप पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूल्स है. थोड़ी देर में क्या हुआ, थोड़ी देर में ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, एक जगह रुक नहीं सकते. पार्टिकल्स की तो ये प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑलवेज क्या करते हैं, मोशन करते हैं. चाहे वो सॉलिड में ये मोशन बहुत कम होता है, सॉलिड में पार्टिकल्स केवल अपने पोजीशन पर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं, है ना. लिक्विड में ये मोशन बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकते हैं. और गैसेस में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स मूव करते हैं, वो हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस, है ना, वो दीवार में टकराते रहते हैं. जिस कंटेनर में आप रख दो वो उस दीवार से टकराते रहते हैं, उस वॉल से जाकर टकराते हैं. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं, वी विल नाउ डिस्कस द केस ऑफ द सुगर डिसॉल्विंग इन वाटर. जब आप चीनी को घोलते हो पानी में, है ना, तो चीनी देखोगे आप, सुगर जो होगा थोड़ी देर में डिसॉल्व कर जाएगा, है ना. ये क्यों हुआ सर? वो वाटर के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा. वाटर, हाँ, वाटर के अट्रैक्ट हो जाएगा. तो क्यों हुआ, अट्रैक्ट क्यों हुआ? वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा, वाटर वाटर के बीच में बहुत सारा स्पेस खाली होगा. वाटर मॉलिक्यूल, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे अभी. यहाँ पे इसका ये वाला एग्जांपल है. यहाँ पे ये देखो आप कि आप 100 ग्राम यहाँ पर एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे अभी कि 100 ml वाटर होगा, उसमें हमें क्या करना है, उस बीकर में 100 ml पानी लेके वहां पर रेड लाइन से उसको टिक कर लेना है. उसमें फिर 50 ग्राम पानी डालेंगे तो हम देखेंगे वाटर का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा. और फिर हम उस शुगर को डिसॉल्व कर देंगे तो हम देखेंगे फिर वो वाटर का लेवल अपने पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो शुगर था वो कहाँ गया. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी हमें डिस्कस क्या करना है, हमें डिफ्यूजन प्रोसेस पे डिस्कस करना है. ठीक है. अगला है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैस का मिक्स होना. तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ब्राउनियन मोस. इसमें भी ये भी एक डिफ्यूजन है, है ना. आप देख रहे हो ब्रोमाइन है. ब्रोमाइन जो जनरली थोड़ा क्या है, हैवी है. और एयर, यहाँ दो गैसेस है, एक एयर हो गया, एयर थोड़ा कलरलेस होगा और ये हल्का होगा. आपको ये चीज याद रखना है कि यहाँ पर हल्का कौन है, यहाँ पर लाइट कौन है, एयर है. और हैवी कौन है, ब्रोमाइन वेपर. समझ में आ रहा है? यस सर. यहाँ पर हमने दो बीकर लिया है, एक बीकर में क्या है, एयर है, दूसरे बीकर में क्या है, ब्रोमाइन है, ब्रोमाइन वेपर है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज आपको याद रखना है कि ये थोड़ा हैवी होगा और ये थोड़ा लाइट होगा. ये यस सर चीज आपको याद रखना है. एयर लाइट होता है और ये क्या होता है, हैवी होता है. हैवी. तो एक बात बताओ, क्या हैवी पार्टिकल्स कभी ऊपर जा सकता है क्या? हैवी पार्टिकल्स ऊपर उठ सकता है क्या कभी भी? जो हल्का होगा वही वो ऊपर उठेगा, है ना. तो यहाँ पर आप देखोगे जो रेड ब्राउन कलर है, रेड ब्राउन कलर है. पहले तो हमने दो भी कर लिया, एक में साफ साफ देखा जा सकता था, किसको, ब्रोमाइन को. दूसरे में किसको देखा जा सकता था, दूसरे में कलरलेस एयर को देखा जा सकता था. हम देखेंगे थोड़े समय के बाद क्या होगा, ये ब्रोमाइन जो है पूरे बीकर में फैल जाएगा, यानी पूरे कलर, पूरा जो कलर है ये रेड ब्राउन हो जाएगा, दोनों बीकर का कलर सेम हो जाएगा. ये क्यों हुआ? ये हुआ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. नीचे का लोअर है, नीचे का ये ऊपर का लोअर है, तो मिक्स हो गए दोनों. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर इस तरीके से बात करोगे तो हैवी पार्टिकल्स कभी ऊपर नहीं जा सकता. समझा रहा है? हैवी पार्टिकल्स कभी ऊपर नहीं जा सकता, इस चीज को ध्यान में रखना है. ओके सर. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हैवी पार्टिकल ऊपर जा रहा है. क्यों जा रहा है? ओनली ड्यू टू द व्हाट, ओनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. यहाँ पे देखो ये बताया गया ना, द ब्रोमीन वेपर इज हैवियर देन एयर. ब्रोमीन एयर जो है वो हमेशा किससे, एयर से हैवियर होता है. ठीक है. इवन देन इज गोड अप, लेकिन फिर भी ये ऊपर जा रहा है, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता. कभी भी हल्की चीज ऊपर जाती है, भारी चीज कभी ऊपर नहीं जाती. तो ये क्यों हुआ? जरूर ऐसा करने के लिए उसको एनर्जी मिला होगा.
समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर साइंस को समझना जरूरी है, थोड़ा डीपली जाइए। यहाँ पे जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ये तो होगा, ये तो आप जानोगे कि हम मिक्स हो गया, बट क्यों हुआ और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो साइंस को ही रॉन्ग कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी ग्रेविटी के कारण हैवी पार्टिकल्स ऊपर नहीं जाता, अगर ये हल्का होता तो ऊपर जा सकता था। लेकिन अभी हैवी कौन है? अभी यहाँ पर अगर हैवी पार्टिकल्स की बात करोगे तो हैवी कौन है अभी यहाँ पे? हैवी ब्रोमीन है। ब्रोमीन कैसे ऊपर जा सकता है एयर से, वो कैसे मिल सकता है? तो जरूर इसके पार्टिकल्स को कहीं ना कहीं से एनर्जी मिली होगी, तभी उस एनर्जी के थ्रू वो काम कर सका, उसने ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट काम किया। समझ में आ रहा है? तो वो कहा क्या था, तो ये था कि हर एक पार्टिकल्स के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। मैटर बना होता है पार्टिकल से, पार्टिकल्स हमेशा मोशन करते हैं, हर एक पार्टिकल्स के पास अगर वो मोशन करते हैं तो उनके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी बॉडी में उसमें मोशन, उसके मोशन के कारण डेवलप हो जाए उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो एनर्जी क्या है, किसी भी काम को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, नहीं? काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो अगर किसी बॉडी में एनर्जी डेवलप हो जाए उसके मोशन के कारण, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लेकर वो अपने काइनेटिक एनर्जी के कारण वो मिक्स हो जाएंगे। किस प्रोसेस के कारण? डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, अब आ जाओ ब्राउनियन मोशन के बारे में बात करते हैं। ब्राउनियन मोशन आपने देखा होगा। ब्राउनियन मोशन जनरली आप देख सकते हो एक आपके घर में है ना, आपके घर में जब सपोज करो कहीं से अगर सनलाइट इंटर करती है, आपने देखा होगा है ना, मॉर्निंग के टाइम अगर आपकी खिड़की से सनलाइट इंटर कर रही है तो आप डस्ट पार्टिकल को इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो। देखा है ऐसे कभी? घर में एक रे ऑफ लाइट आ रही है उसमें डस्ट पार्टिकल आपको जिगजैग मोशन में आपको दिखाई देगा, उड़ते रहते हैं। हाँ, तो ये जो जिगजैग मोशन हुआ ना, इस जिगजैग मोशन को ही हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन क्या दे सकते हो? तो जिगजैग मोशन ऑफ, अब ये जिगजैग मोशन किसी का भी हो सकता है, पोलन ग्रेन हुआ, पोलन ग्रेन जैसे ये दिख रहा है, ये आपका ये एक पोलन ग्रेन है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन है, जैसे ये सपोज करो कि एक पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जनरली क्या होता है पता है ना आपको? पोलन ग्रेन आपको समझ में आता है पोलन ग्रेन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके ऊपर जो मेल प्रोडक्ट होता है ना, उसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, ठीक है, एंथर, एंथर के ऊपर जो आप देखोगे एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन होता है, छोटा छोटा दाना जैसा होता है, ये फूल के ऊपर छोटा छोटा दाना जैसा होता है। तो उसको अगर आप पानी में डाल दोगे ना, तो आप अगर उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो जिग जैग मोशन करेगा, है ना? आप देखोगे कि आप अगर आपने उसको यहाँ रखा तो आप देखोगे कि अगर आपने उसको यहाँ रखा तो आप देखोगे कि पहले वो इधर जाएगा, फिर वो इधर आएगा, है ना? इस पाथ पे मोशन करेगा, उसका अपना कोई पाथ नहीं होगा, इस पाथ पे वो मोशन करेगा। इस जिग जैग मोशन को हम क्या कहते हैं?